उत्तर प्रदेश सरकार में एमएसएमई मंत्री राकेश सचान के खिलाफ आर्म्स एक्ट के एक मामले में एसीएमएम तृतीय कोर्ट में फैसला आना है। कोर्ट में फाइनल बहस के दौरान पेशी पर पहुंचते ही उनकी तबीयत अचानक बिगड़ गई और उन्हें वहां से ले जाया गया। हालांकि बचाव पक्ष की ओर से गवाह पेश करने का प्रार्थना पत्र दिया गया है। बता दें कि अवैध असलहा मामले में सुनवाई के दौरान शनिवार को अपर मुख्य महानगर मजिस्ट्रेट तृतीय की कोर्ट में पहुंचे यूपी सरकार में एमएसएमई मंत्री राकेश सचान की अचानक तबीयत बिगड़ गई। नौबस्ता थाने में 1991 में दर्ज आर्म्स एक्ट के मामले में कोर्ट में उनकी सुनवाई थी और फैसला सुनाया जाना था, लेकिन अचानक उनकी तबीयत बिगड़ने से फैसला अगली सुनवाई तक टाल दिया गया है। बता दें कि नौबस्ता थाना के थाना अध्यक्ष ब्रजमोहन उदेनिया ने 13 अगस्त 1991 को आर्म्स एक्ट के तहत मुकदमा दर्ज कराया था, जिसमें मंत्री राकेश सचान को आरोपित किया गया था। वहीं राकेश सचान के पास से पुलिस को एक राइफल भी मिली थी। पुलिस के मुताबिक नौबस्ता में छात्र नेता उपेंद्र सचान की हत्या हुई थी, जिसमें बताया गया था कि घटना में प्रयोग के लिए राइफल को लाया गया था। वहीं अपर मुख्य महानगर मजिस्ट्रेट तृतीय आलोक यादव की कोर्ट में आर्म्स एक्ट का मामला विचाराधीन था और शनिवार को फैसला आना था। अभियोजन अधिकारी ने बहस पूरी की तो बचाव पक्ष की ओर से गवाह पेश करने के लिए प्रार्थना पत्र दिया गया। अभियोजन अधिकारी ऋचा गुप्ता ने बताया कि मामला निर्णय पर है और अभी तक कोई फैसला नहीं आया है। बचाव पक्ष की तरफ से कोई प्रार्थना पत्र उन्हें रिसीव नहीं कराया गया है। आदेश की अवहेलना की है? कोई आदेश नहीं। 90-91 के कुछ वाद हमारे लंबित हैं, जिनमें कुछ जिरे वगैरह होनी है, जिरे की तारीख वारी कुछ लेकर के और आगे तिथि देने की बात उन्होंने की है और कहीं कोई किसी तरह की भ्रामक बातें हैं जो भी चल रही है और विद्यार्थी जीवन के हम लोगों के ऊपर उस समय संघर्ष के दौरान जो केस लगाए गए थे 90 के दशक में जब हम लोग विद्यार्थी राजनीति करते थे, वही कुछ मामले अदालत में लंबित हैं और उन्हीं पर उनकी तारीखें भी चलती हैं और आज भी कुछ तारीख लगी थी तो उसमें आगे बहस की तारीख जज साहब ने शायद कोई दी है और हमें मालूम नहीं वकील साहब को कौन तारीख दी। क्या आज आप कोर्ट में उपस्थित हुए थे? कोर्ट में मैं और काम थे कचहरी में तो मैं गया था, लेकिन कोर्ट में भी वही उन्होंने कहा कि आज जिरे होगी, जिरे के बाद इसमें आगे कोई जजमेंट की तारीख लगेगी तो जिरे की जो तारीख जज साहब लगाएंगे उसमें वकील जिरे करेंगे और जिरे करने के बाद जो न्यायालय देगा वो स्वीकार हो। अच्छा, उसमें ऐसा कुछ सुनने में आ रहा है कि आपके वकील ने जो है न्यायालय का आदेश का जो है वो न्यायालय, ये सब भ्रामक प्रचार है, रूमर है। वकील और जज के बीच में जो बहस के रिश्ते होते हैं उसमें सब तरह की बातें सब भ्रामक है, कहीं कोई उनमें दम नहीं है। आगे जो भी जज निर्णय करेंगे, जज आदेश करेंगे, उसका सम्मान। अगर आपको हमारा वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक करें, सब्सक्राइब करें और साथ ही बेल आइकन दबाना ना भूलें।